गिरफ्तार, कौन जिम्मेदार, तस्वीरें आप देख रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और घटनास्थल पर जानकारी भी जुटाएंगे तमाम अधिकारी और पुलिस की टीम उनके साथ नजर आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बागडोगरा पहुंच चुके हैं, घटनास्थल भी पहुंच चुके हैं और घायलों से भी मिलेंगे रेल मंत्री। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। ये बड़ा हादसे की खबर सामने आती है जहां 8 लोगों की मौत, 60 लोग घायल बताए गए और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अब घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, जानकारी जुटाएंगे क्या कुछ कमी, ये लापरवाही की खबर जो सामने आई है इसको लेकर अब बातचीत भी वो करेंगे। अब अपडेट भी सामने आ चुका है, 9 लोगों की जान चली गई है, 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, मुआवजा राशि देने का ऐलान भी किया गया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया। इसके अलावा अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुँच चुके हैं, तमाम बातचीत भी करेंगे, अधिकारियों से जानकारी भी जुटाते हुए वो दिखाई देंगे। तो दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी भिड़ी थी, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि 3 बोगी डीरेल हो गई, उसके बाद क्षतिग्रस्त हालत में भी दिखाई दी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला मोटिव यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं बाइक से, घटनास्थल पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ अधिकारियों की टीम भी मौजूद है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग का ये मामला, सुबह करीब 9 बजे की खबर बताई गई जब इस तरीके का बड़ा हादसा सामने आया। इससे पहले 2023 बालासोर में भी इस तरीके की घटना सामने आई थी जहां पर ट्रेन में आपस में भिड़ंत हुई थी और कई लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई थी। इसके अलावा 1999-95 में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेल हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और घटनास्थल पर रेल मंत्री पहुँच चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए पहली तस्वीर आप देखेंगे तो वहाँ पर, क्योंकि रेस्क्यू टीम के बाद अब अधिकारी भी पहुँच गए हैं, देखा जा रहा है, क्योंकि जो पहली दृष्टिकोण यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर सिग्नल तोड़ते हुए ड्राइवर ने ट्रेन आगे चला दी थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि हर पहलू से इस पर जांच हो रही है, क्या इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं मिली थी, क्या कमांड नहीं दी गई थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। मौके पर पहुंच चुके हैं, जिनको लेकर अभी समझना है कि आखिर गलती कहां है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ड्राइवर की गलती से ये हादसा हुआ है। हालांकि ड्राइवर की मौत हो गई तो इन सवालों का जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। कवच प्रणाली को लेकर जो कहा जा रहा था कि हर रेल लाइन पर इसे लगाया जाएगा, उसको अभी सब जगह नहीं लगाया जा सका है। हमारे सहयोगी भास्कर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भास्कर, अब रेल मंत्री पहुंचे हैं मौके पर, देखिए माहौल बहुत ज़्यादा टेंस है, पहले से ही लोग परेशान हैं, रेल मंत्री पहुँच रहे हैं, लोगों को थोड़ा एक तरह से संवेदना तो देंगे ही, गलती कहाँ हुई है इस पर भी पूरा मंथन होना बहुत ज़रूरी है इस तरह के हादसे रुकने के लिए। बिल्कुल देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वो खुद जो घटनास्थल है, घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से जांच किया जाएगा कि किस तरह से, किसकी गलती से इतनी बड़ी घटना घटी, ये पूरी तरह से जांच किया जाएगा, ऐसा ही कहना है रेलवे मिनिस्ट्री के। और ऊपर जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आ रही है कि जो कैरियर ट्रेन की ड्राइवर थे उसकी लापरवाही की वजह से ही इस तरह से घटना घटी है। हालांकि इस इंसिडेंट में उसका मौत भी हो चुका है और अभी तक जितना रेलवे की तरफ से हम लोगों को खबर मिल रही है कि 3 रेल कर्मियों की मौत हो चुका है, कंचनजंगा एक्सप्रेस के जो गार्ड थे उनका और ये जो कैरियर ट्रेन के जो 2 लोको पायलट थे उन दोनों लोको पायलट का मौत हो चुका है इस दर्दनाक जो हादसा, इस हादसे की वजह से। बट हादसा हुआ तो हुआ क्यों, किस वजह से यह हादसा हुआ, यह सबसे बड़ी सवाल है अभी। और अश्विनी वैष्णव जी रेल मिनिस्टर वो खुद स्पॉट पे जाके जांच पड़ताल कर रहे हैं और आगे प्रॉपर इंक्वायरी टीम भी इस पूरी घटना की जांच करेगा, ऐसा ही कहना है रेलवे ऑफिशियल्स का। और जो लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे थे उन लोगों के लिए इधर एक हेल्प डेस्क भी बना दिया गया रेलवे के तरफ से और हेल्पलाइन नंबर्स भी चालू है। हम लोग देख रहे थे
दिन भर सुबह से लगातार सुबह से हर एक मिनट पर यहाँ पे फोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या हाल है। और हम लोग के दर्शक को ये बात ज़रूर बता दें कि ये जो 13174 डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस वो घटनास्थल दोपहर 12:40 पे छोड़ चुका है और जितने सारे लोग सही सलामत थे सारे कोचेस को लेकर वो ट्रेन वापस आ रहे हैं शियालदा के तरफ। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो फ्रेट कॉरिडर था, जो कैरियर ट्रेन था, वो कैरियर ट्रेन होने की वजह से और हालांकि ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस इसके पिछले हिस्से पे एक टक्कर होने की वजह से जान की जो लॉस वो लॉस बहुत कम हो चुका है, ऐसे कहना है रेलवे ऑफिशियल्स का। पर आगे पूरी तरह से जांच पड़ताल जारी रहेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी सब मिलके इस दर्दनाक घटना पे अपनी शोक ज्ञापन किए हैं। और पर सबसे बड़ी सवाल ये है कि इस तरह से लापरवाही, जिस तरह से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भास्कर, क्योंकि अगर हम रेलवे की बात करें, ट्रेन की बात करें, तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जहां पर आम जनता ज्यादा तौर पर ट्रैवल करती है, क्योंकि वो बजट में भी कहीं ना कहीं आम जनता को आ जाता है। फिर इस तरीके की घटना हम देखते हैं 2023 में, 95 में, 98 में, 99 में सामने आती है। हालांकि प्रयास लगातार किए गए, हमने देखा कमी भी देखने को मिली, लेकिन पूरी तरीके से कैसे रोका जाए? बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से रोकने के लिए ज़रूर रेलवे डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ सोचेंगे, ज़रूर इस बारे में बहुत सारे चर्चे हो सकते हैं। पर बात तो ये है कि इस तरह का जो दुर्घटना, वो दुर्घटना घट रही है और ये दुर्घटना बंद करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उनसे पता चल रहा है कि जो लगेज कैरियर ट्रेन के ड्राइवर्स थे, लोको पायलट्स थे, उनकी लापरवाही की वजह से इस दुर्घटना घटी है। मतलब यहाँ पे कोई सिग्नलिंग का कोई प्रॉब्लम या फिर दूसरे तरह का कोई सिस्टम का एरर नहीं था, ऐसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पर पता चल रहा है। और जो लोको पायलट्स हैं उन लोगों के अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ये सारे जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर ज़रूर चर्चा होंगे। बट अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जो सोर्सेज के मुताबिक वो रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, कई सारे जान खो दिए हैं इस दुर्घटना की वजह से। जैसे मैं कह रहा था कि भास्कर, आप लगातार हमें पल पल की जानकारी वहां से दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, आपका हम रुख करते रहेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस जिस तरह से हादसे का शिकार हुई है, सवाल कई हैं कि आखिर गलतियां कहां हुई।